जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बरन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ दिभो। हे नित्य सुख के धाम, धाम माने घर, धाम माने तो सुख के घर और दुख को हरने वाले श्री राम जी, धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी, आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु, आप भव माने जन्म और मृत्यु रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। जन्म और मृत्यु रूपी जो संशय बना रहता है उसको हरने के लिए आप सिंह के समान हैं। हे नाथ सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। श्री राम जी गुणों के समुद्र ही हैं, जो कि मात्र सबको देते हैं, लेते कुछ नहीं है। जिनके पास परम पवित्र प्रेम हो जाएगा उसको अपने में मिला लेंगे, और जिसके पास थोड़ा भी अंश रहा तब तक वो जो है मिलाएंगे नहीं। अतन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिन्द्र कवि, अजसु पावन रावण नाग महा, भगनाथ जथा करी कोप कहा। कहते हैं कि आपके शरीर की अनेक कामदेवों के समान है। आपका शरीर अनेक कामदेव के समान है। आप अनुपम छवि सिद्ध मुनीश्वर, सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुणों को गाते हैं। सिद्ध मुनि और कवि, आपका यश पवित्र है। ऐसा यश जिसमें लालच न हो वही पवित्र यश होता। अगर कोई भी आप बड़ा काम करिए लेकिन अगर उसमें लालच है तो उसको कोई अच्छा नहीं कहता। और आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिए। रावण सांप है तो उसके लिए आप गरुड़ भी है। अजन रंजन भंजन शोक भयम्, गत क्रोध सदा प्रभु बोध मयम्, अवतार उदार अपार गुणम्, मही पार विभंजन ज्ञान घनम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, सेवकों को आनंद देने वाले, शोक एवं भय को नाश करने वाले। अब आप लोग देख रहे होंगे धीरे धीरे अब शोक भय भ्रम प्रभाव पड़ रहा है ना। सदा क्रोध रहित, आप क्रोध रहित है। आपके लिए कोई कितना भी खराब बाड़ी बोले आप क्रोध करने वाले, लेकिन अगर भक्तों के ऊपर कोई उंगली उठाए तो उसका विध्वंस भी कर देते हैं। और नित्य ज्ञान स्वरूप है आपका अवतार, श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। प्रभु का अवतार ही ज्ञान का समूह होता है। तो अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, और रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा।
किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक और एक यानी अद्वितीय दूसरा कोई नहीं और अनादि हैं। अनादि माने जिसका आदि और अंत न हो। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूसर राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। विभीषण कितना दीन था भाई, राजा जो था रावण मार दिया था, लात मार दिया था, और उसको भी आपने राजा बना दिया। तो गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बीरजम, अभुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंद महाकुशलम। कहते कि हे गुण और ज्ञान के भंडार, आप मान रहित है, माने उनको कभी अभिमान नहीं होता है। अगर उनका सेवक है तो अभिमान और अहंकार का नाश करिए, तब तो सेवक नंदू भाई, और अगर अभिमान अहंकार बा फिर कहाँ का सेवक। कहते हैं कि आप मान रहित है, अजन्मा है, व्यापक है और माइक विकारों से रहित है। ये सब जितना विकार है, काम क्रोध लोभ घमंड जलन ममता मोह कपट दंभ पाखंड झूठ धोखा चोरी, ये सब श्री राम जी के अंदर, जो उनका सेवक बने उसके अंदर यह सब मानसिक विकार नहीं होना। समझ में आवा था कहाँ के बाद? देखो ठीक। और कहते हैं कि मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कर रहे हैं ये बाड़ी। आपके भूषंडों का प्रताप और बल प्रचंड है, दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं, माने बहुत चालाक है, माया का शीशा रख करके कुल ठीक। और बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, अभवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। कहते हैं कि आप बिना कारण ही दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले शोभा के धाम ही हैं, माने कि धन से उनको कोई खरीद न सकता। यदि आप भगवान के सेवक हैं तो धन पर थोड़ा भी जो है लालच नहीं होना। तो ये अपने से कहने की जरूरत नहीं, ये भक्तों को अनुभव हो जाए, है ना? अगर आप ऐसे हैं तो भक्तों को अनुभव हो जाए, नहीं हो जाएगा। और मैं जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ, और आप भव सागर से तारने वाले हैं, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से बाहर है, कारण और कर्म से बाहर है, और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले। यदि भगवान का कोई सेवक हो तो ब्रह्मा जी के अनुसार उसके अंदर ये सभी गुण होने। सुनो भाई, यह न गुण न तो यह बा संसार सपना हो, सेवा करो लेकिन कोई से लालच मत रखो। पहला गुण यह पकड़ो, असर चाप मनोहर त्रोण धर्म, जल जारुन लोचन भूप परम, अस्तुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मद मार मुधा ममता समनम।
कहते हैं कि आप मनोहर बाण, सुंदर धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के पल्लव तथा मद यानी अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले। ममता भी झूठा होता है, आखिर के ममता तब तक रखबे जब तक शरीर रही, और फिर खत्म, जब खत्म हो जाला जो चीज वो झूठा होला, जे सत्य रहला वो हमेशा। तो अनवत्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो, इति वेद बदंती न दंत कथा, अरबिया तप भिन्न मिन्न जथा। समझा जाए, बहुत बड़ी बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कहते हैं कि आप आनिंद यानी दोष रहित है, यानी दोष रहित है, सब रिकॉर्ड चला जाए सूर्य में, कोई बात नहीं। आप अखंड है माने इंद्रियों के विषय नहीं है, मन वाणी से आपको देखा नहीं जा सकता। जहां से मन बुद्धि वाणी इनकी सीमा समाप्त होती है, तो उसके बाद के ये तत्व है। और लोग तर्क कुतर्क करे चाहिए कि कैसे जो है कि हम जो है प्रभु को तर्क करते हैं ना, सर ये तर्क करने के विषय ये अनुभव से प्राप्त होने वाले हैं। और कहते हैं कि आप सर्वरूप होते हुए भी आप सब कभी हुए ही नहीं, यानी सबके अंदर श्री राम जी रहते हैं, लेकिन सब लोग राम जी के जैसे नहीं बन पाते हैं। समझ रहे हैं? और यह कोई दंत कथा नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं कि आप सबके अंदर हैं, लेकिन सब राम जी जैसे कहां बन पा रहे हैं? कोई लालच नहीं छोड़ा था, राम जी बने बदे लालच छोड़े पड़ी। अगर लालच छोड़ सके तब तो भोग बन जीवे, और नहीं तो समस्या बा। तो ठीक करे, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग नहीं है, ध्यान से आप लोग समझिए, सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है नहीं, लेकिन आप लोगों को अनुभव अलग अलग होता है। सुबह जो है सूर्य के प्रकाश में बैठेंगे कोई फर्क नहीं, और प्रचंड सुबहलिया में ज्यादा लगेगा, और जब सूर्यास्त हो जाएगा तो कुछ भी नहीं लगेगा। तो भगवान आपके अंदर है भी और नहीं भी। भाई जो बिल्कुल नास्तिक हो तो करे बदे कहाँ भगवान बाहे, लेकिन उन बाहे बिना प्राण को चल। देखिए प्रभु राम जी कैसे हैं, समझ में आवा था? अंदर हयो हैं और नहियो हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश। आपके समझ में आवा था भाई? तैसे जितना प्रेम बढ़ेबे, अगर पूरा प्रेम बना ले ले तो आप पूरा राम जी के स्वरूप में हो जाइए। नहीं तो अगर ये मेहरारू का अगर चिंता नहीं छूटा, घर परिवार में मन लगाए रही वे, तब तन्नी तन्नी तक गुरु लगाई तो तनको तनको लगाए रखवे हम और हमार समझ के कहिए, तू तनको तनको नहीं शरीरों छोड़ा जा, कोई सीधा कुकुर बन के अपन लगावे मन। ऐसे सेवा करो, लेकिन तनको लालच और ममता रखने की जरूरत कमा के नहीं है, भी है हमारे। हाँ तो जान तो गोल भाई है, जान गई ले मन में पता होगा, अब बुद्धि लगा के वो सही बन जा और का। और कहते हैं कि कृत कृत्य विभो सब बन रहे,
निरखंती तवानन सदरे भिग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भूल परे। कहते हैं व्यापक प्रभो ये सब बानर कृतार्थ रूप है। जो बानर लोग हैं अब समझिए कि वैसा भी मौका नहीं मिला, अगर वैसा भी मौका मिला होता तो तर गए होते। तो आज कम से कम ये बानर के भी याद कर ले कि यार तू सब बानर हो कैसे रहा, हमने तो मनाई ही रहा दास कर इतना प्रेम जब पवित्र रहा तो हमने का प्रेम पवित्र काहे न हो। समझ में आवा था भाई? हाँ। कहते हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं ठीक ना, तो कोई का मुंह देखो ओकरे चरित्र पे मत जा, लेकिन सम्मान रहे के चाहिए काहे कि ओकरे अंदर रामे जी। और कहते हैं कि हे प्रभु हमारे अमर जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए, यानी संसार में सांसारिक विषयों में फूले पड़े हैं। देखो सब लोग सांसारिक विषय में ही फूला पड़ा बन है। और कहते हैं कि अब दीने दयाल दया करिए मति मोरी विभेद करी हरिए अजहिं ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु अब दया कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे दीन दयालु अब दया कीजिए और मेरी भेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए। ये जो भेद रखते हैं लोग ना कि हम तो गुरु है तू चेला है, वो भेद बुद्धि न रह के सबके ब्रह्म के समान समझे के चाहिए कि सबके अंदर में भगवान है, ये समझ करके सबका सम्मान करे के चाहिए। कहते हैं मेरे भेद बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद में विचरता हूँ। अखल खंडन मंडन रम्य क्षमा अपद पंकज सेवित शंभुमा अनृप नायक देवर दान मिदम चरणम्बुज प्रेमु सदा शुभदम। कहते हैं आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण है आपके चरण कमल की सेवा शंकर जी और पार्वती जी करते हैं, तो आप कैसे करेंगे जब आप अपने भाव को श्रद्धा और विश्वास से भर लेंगे। तो श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती ठीक ना। तो जब श्रद्धा रही तो मैं वासना के जगह कहाँ बांधा। वही कर रहे हैं कि हे राजाओं के महाराज मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इसलिए आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि यह भाव कभी टूटे न कि यह शरीर मात्र प्रभु का सेवक है और प्रभु ही स्वामी, इसके बीच में अहंकार का जगह न हो ठीक ना। तो विनय कीन्हीं चतुरानन अप्रेम पुलक अति गात अशोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं आघात। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती करते हैं और शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। आप कह लेने
जय श्री राम, जय श्री राम।